हाय एवरीवन, फास्ट बॉलिंग रनअप के अंदर बहुत सारे डाउट है कि जब आप रनअप में भागे तो क्या आपको टॉपर भागना है, क्या आपका हील स्ट्राइक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या आपको मिड फुट पर भागना है। आपको एक मैं प्रैक्टिकल चीज़ समझा दूँ और जो होती है वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। जो ऑल आउट स्प्रिंट मारते हैं, जो आपने ओलंपिक्स में 100 मीटर या 200 मीटर एथलीट्स को देखा होगा, वो ऑल आउट स्प्रिंट भागते हैं, तो उनको टॉप पे ही भागना पड़ेगा। लेकिन फास्ट बॉलिंग रनअप ऑल आउट स्प्रिंट मारने का मतलब नहीं होता। आपको 70-80% रखना होता है और वो बॉलर टू बॉलर पे डिपेंड करता है। तो आपको जो एफर्ट, जो आपका जो स्ट्राइक रहेगी वो रहेगी मिड फुट पे। मिड फुट होता है हमारा जो ये वाला पार्ट है, टॉप पर आपका ये चीज़ रहेगी, मिड फुट रहेगा ये चीज़। तो आपको मिड फुट पे भागना है। अगर आप जनरली देखेंगे जब आप चलते हैं तो जितना आप स्लो चलेंगे उतना आप हील से टॉप पे आते हैं, जितनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वो टॉप के ऊपर आती चली जाएगी। अगर हम वॉक करते हैं नॉर्मली तो टॉप से इस पे आते हैं, हील से टॉप पे, और जब हम 70% पे भागेंगे तो मिड फुट पे भागेंगे, और जब ऑल आउट भागते तो टॉप पर भागते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है।